नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। आज संपूर्ण देश भर में कांग्रेस नेताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। काले रंग का पहनावा, पुलिस के साथ संघर्ष और फिर हिरासत। आइए जानते हैं अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कैसा रहा और क्या स्थिति है। विरोध प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और भाजपा पर चुनावों को प्रभावित करने एवं निचले स्तर पर लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर संसद में भी विपक्षी दल के नेताओं द्वारा नारेबाजी हुई। इस बीच राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रियंका गांधी भी अपना समर्थन देने प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने संसद में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी सांसदों का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। वहीं मुंबई में बाला साहेब थोरात, नाना पटोले और संजय निरुपम जैसे प्रमुख नेताओं को प्रदर्शन के दौरान विधान भवन के पास हिरासत में लिया गया, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन स्थल पर प्रियंका गांधी काले कपड़े में नजर आई। गौरतलब है कि काला कपड़ा कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध का एक प्रतीकात्मक तरीका बन गया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अन्य नेताओं के साथ काले रंग के पहनावे और पगड़ी में नजर आए। वहीं कुछ अन्य नेताओं को जैकेट पहने देखा गया, जिस पर राहुल गांधी के चेहरे का निशान बना हुआ था। दूसरी ओर तेलंगाना कांग्रेस ने इस दौरान अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। हैदराबाद में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गैस सिलेंडर को फूलमाला पहनाया और इसके साथ ही मंच पर टोकरी में सब्जियां भी रखी हुई थी। और इस तरह महंगाई के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां सत्ता पक्ष के राजनीतिज्ञों को कहना है कि महंगाई कांग्रेस के लिए बस एक बहाना था और कांग्रेस का निशाना ईडी पर था। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एवं अन्य नेताओं को पुलिस हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि तानाशाही हुकूमतों को इन्हीं हौसलों से डर लगता है, जंग जारी रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी का कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को कैद कर सकते हो, लेकिन इनके बुलंद आवाज को नहीं कैद कर पाओगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह के खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। धन्यवाद।